हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आ रही है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज में आती है फ्रेंड्स। तो यहां पे काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट रिलीज़ हुई है आप लोगों के लिए, ख़ासतौर से इंजीनियर्स वालों के लिए फ्रेंड्स। इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस की रिलीज़ हुई है वैकेंसी फ्रेंड्स। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। और तो यहाँ पे इंगेजमेंट जो है वो रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स। और यहाँ 5th ऑफ अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन की, उससे पहले पहले ज़रूर से अप्लाई कर दे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ट्रेनिंग ड्यूरेशन 3 ईयर्स की रहेगी, ब्लास्टर माइंस में 2 ईयर्स की। तो यहाँ मेट वालों के लिए 10 वैकेंसी रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स, और इसी तरह ब्लास्टर माइंस के लिए 20 वैकेंसी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th मैट्रिक एग्ज़ाम अंडर 10+2 सिस्टम होना चाहिए, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नील बताई गई है। यहाँ पर फ्रेशर्स वाले एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ डीजल मैकेनिक 2 ईयर्स की 10 वैकेंसी, फिटर की 1 ईयर ड्यूरेशन रहेगी 16 वैकेंसी, टर्नर की 1 ईयर 16 वैकेंसी, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 1 ईयर 16 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की 36 वैकेंसी, ड्रॉसमैन सिविल वालों के लिए 4 और ड्रॉसमैन मैकेनिकल वालों के लिए है फ्रेंड्स यहाँ पे 3 वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वालों के लिए 20 वैकेंसी रिलीज़ हुई है, सर्वेयर के लिए 8 वैकेंसी। और यहाँ पे इन लोगों की क्वालिफिकेशन जो है पास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, ITI पास्ड होना चाहिए इन सारे ट्रेड में फ्रेंड्स, कंसर्न ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। लेकिन ये ऊपर की 2 वैकेंसी मेट और ब्लास्टर में कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, सिर्फ 10th वाले एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह AC एंड रेफ्रिजरेशन में 2 वैकेंसी, मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर 4, कारपेंटर 6, प्लम्बर 6, प्लम्बर 5, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स वालों के लिए 4 वैकेंसी। टोटल 184 वैकेंसी रिलीज़ हुई है फ्रेंड्स। और यहाँ एज लिमिट जो है मिनिमम 18 ईयर्स बताई गई है। और यहाँ कैंडिडेट्स के लिए डिप्लोमा भी BTech इक्विवेलेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड, एडिशनली कैंडिडेट्स हैविंग हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाइक BA, BSc एक्सेट्रा विल नॉट बी गिवन एनी एडिशनल वेटेज। तो यहाँ पर इन लोगों को कोई भी वेटेज नहीं मिलेगा, 10th पास और ITI वाले ही एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। स्टाइपेंड एज पर गवर्नमेंट रूल आप लोगों को मिल जाएगा। और 30 यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन मेथडोलॉजी रहेगी, मेरिट बेस्ड ऑन देयर मार्क्स ऑब्टेन इन ITI एंड 10th, वेटेज ऑफ 30% टू मार्क्स स्कोर्ड इन रेलिवेंट ट्रेड इन ITI एंड वेटेज ऑफ 70% शैल बी गिवन टू द मार्क्स स्कोर्ड इन 10th बोर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे apprenticeship.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ID आप लोगों को मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो उसके बाद आप लोग उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा मौका है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मिलेगा, आपका फ्रेशर का टैग हट सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।